गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। सो गाइस, करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक खूबसूरत ब्लॉग के साथ। तो अभी की शुरुआत हो रही है हमारे अक्षर विहार में। तो गाइस, हम लोग पहुंचे हुए हैं बरेली के पार्क में। बहुत ही खूबसूरत पार्क ये है। तो आज हम यहां गाइस, इसका रीजन ये था कि आज मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है एकदम, और हल्की हल्की धूप आई हुई है, ठंडा भी बहुत हो रहा है। तो इनका बहुत दिनों से हो रहा था कि भाई कहीं घूमने जाना है। तो गाइस, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 6-7 साल तो मुझे यहाँ पे हो चुके हैं, लेकिन मैं भी इस पार्क में अभी आई नहीं थी। तो हाल फिलहाल पहली बार यहाँ पहुंचे हुए हैं पार्क में घूमने के लिए। तीनों चीजें होती तो हम चले आए। बहुत खूबसूरत ये पार्क है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे तालाब भी है, यानी कि बहुत बढ़िया झील है। तो वहाँ का भी हम आपको व्यू दिखाएंगे, और चलते हैं और रूबरू करवाते हैं इस पार्क से। हम भी देखते हैं, आप भी देखिए, तो एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत पार्क को। चलिए, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इस ब्लॉग को देखने के लिए। तो गाइस, अब ये देख सकते हैं बहुत बड़ी ये झील है, और ये हैं बत्तख। इनको जाड़ा लग गया भाई। आहा, बहुत बड़ी। और ये बहुत पुराना पार्क है, और बहुत साल पहले बना था, फिर बीच में बंद हो गया था, कुछ कांड हो गए थे इस पार्क में। अब ये गौतम जी ने दोबारा रेनोवेट कराया है, और अभी दोबारा से खुल गया लोगों के लिए। उस सामने पत्थरों से बना हुआ है ना, ये देखो, सब कुछ पत्थरों से बना हुआ है। अपने पीठ पे लगा के सोए हुआ है, ये देखो। आहा, बोल के सोया, देखो। चुन्नू, अरे बाबू, कब खाएगी? इसकी हरकतें देखिए आप। सो जा। काम भी चल रहा है पार्क में यहाँ, और बीना वहाँ खड़े होके पता नहीं क्या देख रही है। हैं, और ये बैठने के लिए, खाने पीने के लिए। ये देखिए, राधे, बोलो सीते, रावण तुम्हें ले नहीं गया। जल्दी ले जाओ रावण, इसे ले जाओ। तो ये मेरी कुटिया है, आप देख सकते हैं गाइस। ये रही बीना को मिली अपनी कुटिया। देखो कहां है, रावण का इंतजार कर रही है, राम का कर रही है। और अब ये देख सकते हैं, ये बहुत, ये बांस की से बने हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ये कलर करके बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये आज चीता हो गई है अब। बीना को एक और मिली कुटिया अपनी है। चलो आ जाओ, मॉडर्न कुटिया है ये। मॉडर्न कुटिया, चलो आ जाओ। चलो 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 आ गया। शहर के बीचों बीच ये झील, और ये पूरा अंदर ही खाने पीने, रेस्टोरेंट का हिसाब किताब, अरेंजमेंट बढ़िया, सेटलमेंट देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये शाम के टाइम बहुत ही बढ़िया लगेगा ये सब चीज़ें। अब हम चलते हैं और अंदर को। ये देखिए, फूलों के बीच में वॉक करने के लिए, और मीना मैडम जाती जा रही हैं। बहुत बड़ा है, तो ग्राउंड फ्लोर पे आप कहीं भी घूम सकते हैं, और खाने पीने की तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये बहुत साफ सफाई का ध्यान दिया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। इसमें दिल गार्डन गार्डन हो गया।
चलो ये देखिए, ये मेन रोड, मेन रोड के अंदर यहाँ पार्क, बिना बड़ी कोई कोई। हम चलते चलते हम गाइस पार्क के दूसरे छोर पे आ गए हैं। ये देखिए, ये देखिए काफी बड़ा पार्क है ये, अंदर ही अंदर कुछ लोगों की कुछ मीटिंग भी चल रही है यहाँ पर। और गाइस ये देखिए, दो छोटे छोटे बेबीज यहाँ पर झूले का पूरा आनंद लेते हुए पार्क में। ये देखो, उसे डर भी लग रहा है पर वो झूल भी रही है, उतरने को भी तैयार नहीं है और डर भी लग रहा है। ये देखो तो गाइस ये देखिए, ये गाइस पूरा पार्क जो है ये काफी बड़ा है। तो गाइस आज हम आपको करा रहे हैं अक्षर विहार पार्क का विजिट। आज बीना और मैडम और मैं घूमने आए हुए हैं और अच्छा? 7 साल बाद आज यहाँ मौका लगा इस पार्क में आने का बीना को, है ना। तो जैसे ही यहाँ पहुँची, आज मौसम बढ़िया था, बरेली में बहुत दिनों बाद धूप के लिए हल्की हल्की धूप आ रही है। जब भी हम इस रोड से गुजरते थे तो हम सोचते थे कि यार एक बार यहाँ पर जरूर जाएंगे। हाँ, पर आज वो दिन आ गया, मौका लग गया है तो हमने सोचा वीडियो बना ली जाए, क्यों। और अब देखो कहाँ कहाँ जाती हैं मैडम, और काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। वैसे यहाँ पार्क बड़ा फेमस हो चुका है, ये भीड़ ही भीड़ है। और अब हम देखते हैं, इधर से ये वो कुटिया फिर से आ गई, सीता मैया की कुटिया ना, बीना की कुटिया। तो गाइस ये था हमारा पार्क पूरा, फोटो खिंचाने के लिए जिसकी गद्दी फट चुकी है। ये देखिए तो गाइस हम पार्क के फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए जहाँ से हमने चालू किया था। और बीना वहाँ जाके बैठ गई है। इसको पता नहीं क्या हो गया है। गोल गोल चक्कर लगा रही है। ये देखो। तो गाइस आज हमने आपको बरेली का एक पार्क दिखाया, छोटा सा, बढ़िया सा, अच्छा सा, जहाँ थोड़ी देर हमने एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। ओके तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। लग तो बढ़िया रहा है। देखो हाल फिलहाल गाइस ये ऐसी बोलती रहेगी, बड़बड़ 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 बड़बड़। उससे पहले मैं इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। कहाँ चल रही यार, नहीं वहाँ नहीं दिखा दिया मैंने, फटाफट कर दी स्कूटर की। गाइस ये ऐसी करती रहेगी। चलिए गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, कल होगी आपसे मुलाकात नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर देना, करते रहो आप।